हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक से लेसन नंबर 6, लालू एंड पीलू की एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हैं यहाँ इसके वर्ड मीनिंग्स। तो आइए वर्ड मीनिंग देखें। फर्स्ट वर्ड इज चिक्स। चिक्स क्या होते हैं? यंग वंस ऑफ ए हैन, यानी मुर्गी के बच्चे, और उन्हें हम बोलते हैं चूजे। नेक्स्ट चिली। चिली होती है ए स्पाइसी टेस्ट, यानी मिर्च। नेक्स्ट वर्ड स्क्रीम्ड। स्क्रीम्ड यानी क्राइड या चिल्लाया। गोबल्ड। गोबल्ड एट फास्ट, तेजी से खाया। एंड द लास्ट वर्ड इज बर्निंग। मीनिंग ऑफ बर्निंग इज सेंसेशन ऑन द टंग आफ्टर ईटिंग समथिंग स्पाइसी, उसे हम कहेंगे मुंह जलना। तो ये थे इसके वर्ड मीनिंग। आइए कॉम्प्रिहेंशन पार्ट देखें। इन कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स एंड कलर ऑफ द चिक्स इन द स्टोरी। तो स्टोरी में हमारे पास यहाँ दो चिक्स थे, चूजे थे। एक था लालू एंड द अदर वन वॉज पीलू। लालू था रेड कलर का एंड पीलू वॉज येलो इन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डिड लालू सी ऑन ए प्लांट। लालू ने एक प्लांट पर, पौधे पर क्या देखा? ए रेड थिंग, उसने लाल चीज देखी, और लाल चीज देखकर उसका मन कर गया उसे खाने का। लेकिन वो लाल चीज क्या थी? वो थी एक लाल मिर्च, चिली। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डिड लालू माउथ स्टार्ट बर्निंग। तो चिली खाने के बाद उसका मुंह जलना स्टार्ट हो गया। बिकॉज ही एट रेड चिली। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड लालूज माउथ स्टॉप बर्निंग। उसका मुंह जलने से कब बंद हुआ? व्हेन ही गोबल्ड अप येलो लड्डू, जब उसने लड्डू को खा लिया तो उसका मुंह जो है वो जलने से रुक गया। आइए सेकेंड पार्ट देखें। फिल इन द ब्लैंक्स बाय लुकिंग एट द पिक्चर्स गिवन विद ईच सेंटेंस। तो सभी सेंटेंसेस के साथ आप देख सकते हैं नंबरिंग की गई है, पिक्चर्स दी गई हैं। तो उनमें से हमें चूज करना है विच वन इज करेक्ट। द हैन हैड डैश चिक्स, दो चिक, या वन टू थ्री, थ्री चिक्स। तो हैन के कितने चिक्स थे? हैन के थे टू चिक्स। वन वॉज लालू एंड द अदर वॉज पीलू। सेकेंड, लालू लव्ड डैश थिंग्स। लालू को कैसी चीजें पसंद थी? रेड, RED, रेड। थर्ड, लालू एट रेड डैश। तो लालू ने रेड क्या खाई? रेड चिली। एंड लास्ट इज पीलू गेव ए डैश टू लालू। पीलू ने क्या दिया? लड्डू दिया या आइसक्रीम दी? पीलू ने दिया लड्डू। पीलू गेवे लड्डू टू लालू। पीलू ने लालू को क्या दिया? लड्डू दिया। तो ये थे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। आइए आगे चलें। आगे है वोकैबुलरी सेक्शन। मैच दीज एनिमल्स और बर्ड्स विद देयर यंग वंस, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो बच्चों, लेफ्ट साइड में हमें कुछ एनिमल्स और बर्ड्स दी गई हैं, और राइट साइड में हमें दिए गए हैं उनके यंग वंस, उनके बच्चे। तो हमें उनके साथ उनके बच्चों को मैच करना है। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ दे रखा आपको लायन। लायन के साथ आप देख सकते हैं क्या है? कब। तो लायन के जो यंग वंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कब। सेकेंड, हैन। हैन के बच्चों को हम क्या बोलेंगे? हैन के बे यंग वंस को चिक, CHIC के चिक, इसके साथ मैच करें। नेक्स्ट इज डॉग, एंड द यंग वन ऑफ डॉग इज पपी।
PUPPY, puppy. Next is cat, and the young one of cat is kitten. Kitten के साथ इसे match करें. Next, deer, fawn, FAWN. Next, cow, young one of cow, calf. Next, pig, young one of pig is piglet. Next is duck, and young one of duck, duckling. And the last is sheep, and young one of sheep is lamb. तो ये थे एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. आइए आगे चलें. नेक्स्ट इज ग्रामर सेक्शन. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड नोट द अंडरलाइन वर्ड्स. तो बच्चों यहां ये जो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं इनको हमें पढ़ना है और जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उन्हें हमें नोट करना है. आइए देखें. फर्स्ट सेंटेंस इज आई हैव ए बिग बैग नाउ. Next, I had a small bag in second class. He has many toys now. He had no toy last month. We have two cows this year. We had only one cow last year. You have a bat and a ball today. You had only a ball yesterday. Has, have is used for possession in the present tense. तो आपने यहाँ sentences में देखा होगा has और have हमने use किए हैं present tense में जो at present हमारे पास है और वहीं हमने had का use किया था for possession in the past tense यानी भूतकाल में. फर्स्ट एग्जाम्पल यहां आप देखेंगे आई हैव ए बिग बैग नाउ. मेरे पास अब एक बड़ा बैग है यानी अभी एट प्रेजेंट है. और जो पास्ट वाला था वो क्या था आई हैड ए स्मॉल बैग इन क्लास टू मतलब सेकंड क्लास में मेरे पास एक छोटा बैग था. ये हमने यूज किया पास्ट के लिए. तो ये हमें याद रखना है हैज हैव हमेशा प्रेजेंट टेंस के लिए होगा यूज और हैड होगा यूज पास्ट टेंस के लिए. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज हैव और हैड. माय फ्रेंड एंड आई डैश 10 स्टोरी बुक्स नाउ. नाउ यानी प्रेजेंट की बात है तो यहां आएगा हैव. माय फ्रेंड एंड आई हैव 10 स्टोरी बुक्स नाउ. But we dash only 3 story books last month. तो यहाँ past की बात हो रही है last month. तो क्या आएगा we had. H-A-D had. क्योंकि यहाँ past tense की बात हो रही है last month. पिछले महीने की बात हो रही है. Next. These days my other friends have many beautiful toys. But Ramesh has. अब यहां हमें हैज और हैव देखना है. यहां बात थी प्लूरल की फ्रेंड्स यानी एक से ज्यादा फ्रेंड. तो एक से ज्यादा जब होगा तो हम यूज करेंगे हैव और जब किसी एक की बात हो सिंगुलर की तो हम यूज करेंगे हैज. ही डैश ए टॉय बट इट इज ब्रोकन. यहां होगा ही हैज ए टॉय क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में बात है ही वह. तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज हैव और हैड. नेक्स्ट सेक्शन इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग. वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 ईच एंड प्रैक्टिस द कन्वर्सेशन गिवन बिलो. तो बच्चों यहां हमें ये कन्वर्सेशन दी गई है तीनों की लालू की पीलू की एंड देयर मदर. आइए इसे पढ़ें. लालू ओए पीलू गिव मी वन मोर लड्डू. मदर नो लालू से
Please give me one more laddu. Lalu, okay ma, I am sorry. Pilu, ma, may I go out to play? Mother, okay, go, but take care. Lalu, ma, can I too go with my brother? Mother, ask your brother. Lalu, Pilu, can I come with you? Pilu, yes, you can. Lalu, thank you, brother. Pilu, you are welcome. तो बच्चों यहाँ इस कन्वर्सेशन में हमने क्या देखा? हमने यहाँ यूज देखा थैंक यू का, प्लीज, सॉरी एंड यू आर वेलकम, जो हमें डेली लाइफ में यूज करने चाहिए. दीज आर कर्टसीज. ये कर्टसीज सभी बच्चों को अपने क्लासरूम में भी यूज करनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ, अपने बड़े भाई बहनों के साथ, सभी के साथ यूज करनी चाहिए. आइए आगे देखें. नेक्स्ट इज राइटिंग सेक्शन. लुक एट द पिक्चर केयरफुली. बच्चों यहाँ आप ये पिक्चर देख सकते हैं, एलिफेंट है. एलिफेंट क्या खा रहा है? गन्ने. और ऊपर इसके वन बॉय इज देयर एंड वन गर्ल इज देयर. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. तो बॉक्स में यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ईयर्स, लेग्स, एलिफेंट, ग्रे, ट्रंक और शुगर केन, जो हमें यूज करने हैं और इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है. दिस इज एन डैश. तो ये क्या है? ये है एक एलिफेंट. दिस इज एन एलिफेंट. इट्स कलर इज डैश. तो यहां आप बॉक्स में देख सकते हैं कलर सिर्फ एक ही है, वो है ग्रे. तो इट कलर इज ग्रे. It has a long dash. It has a long trunk. जो बोलते हैं हम इसकी सूंड को, हाथी की सूंड होती है. This is his trunk. It has two fan-like dash. It has two fan-like ears. तो बड़े बड़े कान हैं इसके. It has four dash. उसके चार पैर हैं. It has four legs. It loves to eat dash. वो क्या खाना पसंद करता है? Sugar cane. It loves to eat sugar cane. Children like to ride on it. और बच्चों को इसकी सवारी करना पसंद है. तो ये sentences हमने complete करे. आइए आगे देखें. Next is look at the picture of the game snake and ladder. सांप सीढ़ी आपने खेला होगा. Given below. And complete the following sentences by writing the numbers in words. तो हमें यहाँ इन फिलअप्स में नंबर्स लिखने हैं. आइए देखें. First is there are dash snakes in the game. इस गेम में कितने स्नेक हैं? आइए काउंट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So there are 6 snakes in this game. Right here, 6, S-I-X. Second, there are dash ladders in the game. कितनी सीढ़ियां हैं? Ladder क्या होती हैं? सीढ़ियां. कितनी सीढ़ियां हैं यहाँ? 1, 2, 3, 4. There are 4 ladders. F-O-U-R, 4 ladders in the game. The tail of snake is at 5. And its mouth is at dash. तो जिसकी टेल 5 पर है, 5 पर ग्रीन वाले स्नेक की है, उसका माउथ कहाँ है? आइए देखें. इसका माउथ है 99 पर, यहाँ. Right, 99 here. Mouth is at 99. Next is fourth. The longest ladder in the game can take you from dash to dash. तो सबसे लंबी सीढ़ी जो है वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है? तो सबसे लंबी जो सीढ़ी है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये दी गई है यहाँ, और ये हमें ले जाती है 26 से
और 97 तक. तो राइट डाउन फ्रॉम 26 टू 97. And the last is, a winner in the game needs to reach at dash. तो जीतने के लिए हमें कहाँ पहुंचना होता है? At 100. I hope आप सभी को ये गेम खेलना आता होगा, सांप सीढ़ी. आइए आगे देखें. Next is follow up. Make a list of things that may look attractive or good in taste, like samosa, cold drinks and pizza, but are not healthy to eat. तो आपको यहाँ एक लिस्ट बनानी है थिंग्स की जो देखने में अच्छी लगती हैं, टेस्ट भी अच्छा है, लेकिन हेल्दी नहीं है. जैसे समोसा है, कोल्ड ड्रिंक है, पिज़्ज़ा है, ये देखने में और टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन ये जो फूड है ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता. ऐसी ही और खाने की चीज़ों की लिस्ट आप बनाएं, अपनी नोटबुक में उन सबको लिखें. तो ये थी लेसन नंबर 6, लालू एंड पीलू की एक्सरसाइज. आई होप आप सभी को यह समझ आ गई होगी. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. अगर आपकी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.